stars aside from my soul. जो ब्लॉग बनने जा रही है काफी डिफरेंट बनने जा रही है आज के ब्लॉग में। मैं आपको ना मैंने इस ब्लॉग में दिखाने जाऊँ कार, तो मैं कह रहा हूँ एक बार देखो क्रेजी अबाउट कार्स। और ये जो है आपकी दिल्ली की काफी फेमस स्टोर है जहाँ आपको लग्जरी कार मिल जाती है काफी अच्छे रेट में। इसका एड्रेस जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे मैं बता दूँ एड्रेस जो पड़ेगा आपको छतरपुर पड़ेगा, नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है आपका छतरपुर। अब कार में क्या टर्मिनल कंडीशन है, तो कार काफी तरह की मिल जाएगी, तो उसमें ना आपको मेनली ईएमआई का ऑप्शन की बात करते हैं। ईएमआई का ऑप्शन है इनके पास, मिल जाएगी। अगर आप सपोज दिल्ली के हो तो आपको ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा। और लास्ट तक इस मतलब वीडियो को देखना, सबसे बड़ी बात है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। चलो इस वीडियो में दिखाता हूं मैं आपको, लास्ट तक इस वीडियो को देखो बगैर कोई स्किप किए हुए। चलो दिखाता हूं। इनके पास देखो एसयूवी की काफी सारी रेंज है, पहले एक बार आप देखो पूरा लुक क्या क्या है इनके पास, तो सबकी रेंज भी दिलाने वाला हूं एक एक करके। तो बात करते हैं सबसे पहले रेंज, देखो एक बार आप कार पूरी एसयूवी को एक बार देखो बढ़िया से, देखो क्या है कैसा है। बाकी मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ इसकी जो भी है, ठीक है। तो ये गाड़ी है और बाकी मैं आपको पीछे से भी दिखा दूँ। ये देखो टायर्स वगैरह की बात करते हैं, टायर्स वगैरह देख लो सारा कुछ दिखा दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं कि मॉडल क्या है और आस्किंग प्राइस कितना रखा है इन्होंने। तो भैया ये क्या कौन सी मॉडल है? ये तो 2010 मॉडल है। ओके सिंगल ओनर गाड़ी है, ठीक है। और 17,000 के आसपास चली हुई, 70,000। ओके और आस्किंग प्राइस इसका 9.5 है, साढ़े नौ लाख रुपए की आस्किंग प्राइस है। बाकी भैया ये प्राइस फिक्स होता है या कुछ नेगोशिएबल है? ओके तो नेक्स्ट रेंज कुछ ऐसा है भैया, इस गाड़ी के बारे में बताएंगे थोड़ा? फॉर्च्यूनर है, ओके मॉडल है, ठीक है, सिंगल ओनर गाड़ी है, ठीक है। और आस्किंग प्राइस कितना रखा भैया इसका? 17.5 आस्किंग प्राइस है, 17.5 लाख रुपए आस्किंग प्राइस है। अभी कितनी चली होगी लमसम? 92,000 किलोमीटर के आसपास चली होगी। बाकी गाड़ी की कंडीशन देखो एक बार, पूरी गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से, ठीक है। ये देखो पहले गाड़ी की इंटीरियर की बात करते हैं, देखो इंटीरियर देखो गाड़ी की, ठीक है। तो इंटीरियर आपने देख लिया और बाकी बात करते हैं पीछे से, मैं आपको एक बार गाड़ी की कंप्लीट लुक देता हूँ कैसी क्या है, ठीक है। ये देखो गाड़ी पीछे से कैसी है, ठीक है। और गाड़ी की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट आपके सामने ये है एसयूवी 4x4 फॉर्च्यूनर। भैया मॉडल वगैरह क्या होगा? 2011 ओके, ठीक है। सिंगल ओनर गाड़ी है, ठीक है, 70 के आसपास चली हुई है, ठीक है। और आस्किंग प्राइस कितना रखा भैया? 11.5 11.5 लाख रुपए रखा इन्होंने आस्किंग प्राइस इसका। और गाड़ी की इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो ये अंदर से इंटीरियर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो कंप्लीट व्यू अंदर का। सीट्स वगैरह की बात करते हैं, सीट्स वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। टायर्स वगैरह की बात करें, टायर्स वगैरह भी आप देख लो, ठीक है। ये गाड़ी की कंप्लीट व्यू है, बाकी मैं आपको पीछे से भी दिखा देता हूँ व्यू क्या है गाड़ी की, ठीक है। ये देखो टॉप से। देन अगली इनके पास है लैंड रोवर की, और ये मॉडल कितना है? 302 है, 2012। ओके ठीक है, पैनोरामिक सनरूफ और सिंगल ओनर गाड़ी है, ठीक है। और चली कितनी होगी भैया? चली है 70 के आसपास है, 70,000 किलोमीटर, ओके ठीक है।
बात करते हैं इसकी आस्किंग प्राइस कितना रखा भैया आपने? आस्किंग प्राइस इसका 16.5 है, 16.5। ठीक है, 16.5 लाख रुपये आस्किंग प्राइस रखा। बाकी गाड़ी की एक बार कंप्लीट लुक देखो, ठीक है, ये देखो। मैं बाकी गाड़ी के अंदर से इंटीरियर दिखा रहा हूँ मैं आपको। ओके, तो गाड़ी की इंटीरियर की बात करते हैं, तो इंटीरियर कुछ ऐसा है आप देखो, और कंप्लीट इंटीरियर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी सीट्स वगैरह की बात करते हैं, सीट्स वगैरह देखो। ओके, तो ये देखो, ठीक है, ये भैया फुली ऑटोमेटिक जी। ओके, ठीक है, तो फुली ऑटोमेटिक ये होगी पूरी गाड़ी, ठीक है। 4x4 डिस्प्ले वगैरह देखो लगा हुआ, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी, कंडीशन काफ़ी अच्छी है और 70,000 किलोमीटर के आसपास चली है, ठीक है। तो गाड़ी की टायर्स वगैरह की बात करते हैं, तो टायर्स देखो काफ़ी अच्छी है। एक बार आप पूरा लुक देखो गाड़ी की, ठीक है। रेंच कुछ ऐसी है, देखो कंप्लीट लुक देखो एक बार, गाड़ी कैसी है, क्या है और कंडीशन क्या है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है, और गाड़ी के बारे में थोड़ा बताएंगे भैया? भैया फॉर्च्यूनर है, 4x4 है, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा इसका आस्किंग प्राइस रहने वाला भी है 11.5 लाख, ठीक है। ओके, अबाउट 70,000 किलोमीटर चली है, 70,000 किलोमीटर चली है, ठीक है। और इसमें एलॉय वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, सबसे ठीक है, एलॉय लगी हुई है। और 11.5 रखा है इसका प्राइस, गाड़ी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों इनके पास काफ़ी सारी और भी कार हैं, जैसे कि दो कार आपको दिख रही होगी, तो बात करते हैं इस कार से। तो भैया इस कार के बारे में बताएंगे? BMW X3 है, ओके, और 12 मॉडल है, ठीक है, और 3 लीटर V6 है, ठीक है, 3 लीटर V6 है, ओके, और आस्किंग प्राइस 17.5 है, 17.5 है, 17.5 लाख रुपये आस्किंग प्राइस है। और गाड़ी भैया कितनी चली होगी लमसम? ये चली हुई है 70 के आसपास, 70,000 किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी चली है, ठीक है। और बात करते हैं अगली गाड़ी की, तो ये भैया ये इसके बारे में बताएंगे? 7 सीरीज, ठीक है, ओके, और चली 50,000 के आसपास है, ठीक है, ओके। आस्किंग प्राइस 25.5 है, 25.5 साढ़े 25 लाख रुपए की आस्किंग प्राइस रखा है इन्होंने। बाकी प्राइस का ऐसा है कि अप एंड डाउन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भैया गाड़ी के बारे में थोड़ा और बताएं कि गाड़ी जो मतलब इनकी टॉप स्पीड वगैरह कितनी होती है, थोड़ी बताएंगे? टॉप स्पीड इनकी लगभग 260 के आसपास है, 260 के आसपास होती है, और इसकी भी सेम वही है जी, तो 260 किलोमीटर टॉप स्पीड होगी इसकी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ी होती है। बाकी इनका देखो ये बोर्ड है क्रेजी अबाउट कार्स के नाम से, और इनका एड्रेस वगैरह जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक करके आप आ सकते हैं। बाकी इनके यहाँ भैया EMI वगैरह का ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, फाइनेंस फैसिलिटी हो जाता है इनके पास, ठीक है। बाकी आपको इनके पास काफ़ी सारी लग्जरी कार वगैरह मिल जाएगी। बाकी अंदर तो भैया कौन सा मॉडल होगा मर्सिडीज में? 2012 है, ओके, T220 है, ओके, और आस्किंग प्राइस कितना रखा भैया इसका? 16.5, और मार्केट वैल्यू क्या होते हैं इसके न्यू में? 17.5 की, ओके। तो मैं आपको एक बार अंदर से दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखो अंदर से इंटीरियर इसका काफ़ी बेस्ट सा इंटीरियर, इंटीरियर की बात करता हूँ, इंटीरियर देख लिया आपने। और सीट्स वगैरह की बात करें तो सीट्स कवर्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। बाकी ये देखो भैया कितनी चली है ये? ओके, तो 65,000 किलोमीटर के आसपास चली हुई है, और गाड़ी काफ़ी वेल कंडीशन में है, वेल मेंटेन। बाकी आपको पीछे से भी दिखाता हूँ, व्हील्स वगैरह की बात करते हैं तो पूरी अलग वगैरह लगी है। और एक बार पूरा व्यू देखो। बाकी बात करते हैं अगली रेंज की, देखो इनके पास ऑडी की है, और भैया कौन सी मॉडल है ये? Q7 2013, ओके, और भैया इसकी आस्किंग प्राइस कितनी है? 32, ओके, 32, सिंगल ओनर है, ठीक है। मैं इसकी भी इंटीरियर आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई ये है अंदर की इंटीरियर, काफ़ी बेस्ट ये इंटीरियर है। बाकी बात करते हैं, देखो ये गाड़ी काफ़ी वेल कंडीशन में है, और ये गाड़ी आपको पीछे से मैं आपको दिखाऊं, तो सीट्स वगैरह की बात करते हैं, सीट्स देखो आप, ठीक है। ये कितनी चली होगी ये? 65,000 के आसपास चली है। बाकी गाड़ी की मैं पीछे की कंडीशन क्या है वो भी दिखाता हूँ, जो पीछे से गाड़ी है देखो, पूरी लुकिंग पीछे से देखो आप,
तो गाड़ी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा आपको, Q7 की है ये। बात करते हैं अगली रेंज, ये देखो अगली रेंज BMW की है ये। और भैया ये कौन सी मॉडल होगी BMW वाली? 2009 मॉडल है। और आस्किंग प्राइस कितना रखा भैया इसका? 29.5। ओके, और मैं आपको एक बार गाड़ी कंप्लीट गाड़ी दिखा रहा हूँ, एक बार गाड़ी आप देखो कंप्लीट कैसी है पीछे से। ओके देखो ये ठीक है। बाकी अंदर से इंटीरियर भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ कैसी है इसकी इंटीरियर, ये देखो गाड़ी की इंटीरियर आप जैसे कि देख रहे हो इंटीरियर कैसा है। और अभी ये कितनी चली होगी ये? 18,000 18,000 किलोमीटर मात्र चली है ठीक है। बाकी एक बार पीछे से भी आपको दिखाऊं, ये देखो देन बात करते हैं अगली रेंज भैया ये कौन सी है? E250। ओके मर्सिडीज की होगी। और गाड़ी की बात करते हैं कंप्लीट लुक देखो एक बार, वेस्ट लुक है। और देखो गाड़ी की कंडीशन क्या है कैसी है, मैं आपको एक बार इसका इंटीरियर दिखाता हूँ अंदर से इंटीरियर देखना, इसकी इंटीरियर देखो आप। ओके गाड़ी की इंटीरियर देखो, काफ़ी मस्त सी गाड़ी है। और ये कितनी चली होगी ये? 29,000 के आसपास ये चली है। और आस्किंग प्राइस कितना रखा भैया इसका? है 30 लाख के आसपास रखा है इन्होंने आस्किंग प्राइस। बाकी भैया रेट में 19-20 ओके नेगोशिएबल है, प्राइस अप एंड डाउन हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भैया सिंगल ओनर होगा ना ये? ओके तो गाड़ी काफ़ी सारी इनके पास रेंज है।